द हायर सेलिंग सेडान की फेसलिफ्ट की कुछ इमेजेस हमारे पास आ चुकी है फाइनली। तो पेश आपके सामने दी ऑल इमारती डिजायर का फेसलिफ्ट। भाई यार इतनी खुशी मेरे को छुड़ैल से ब्रेकअप के बाद नहीं हुई थी जितनी यहाँ पर इसको देखने के बाद हो रही है। 2 सेक्सी नहीं, ये 4, 5, 6, 7, 10 सेक्सी है। और भाई साहब इसकी लॉन्च डेट भी मेरे को पता है जिसके लिए आपको वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा, आगे बताऊंगा। आप यहाँ पर देख सकती हो यहाँ पर फ्रंट में जो लाइट है वहाँ पर से पतली पतली एलईडी लाइट्स हैं और ऊपर से डीआरएल और यहाँ पर सिल्वर पार्ट और यहाँ पर इसका ये इंडिकेटर और बीच में यहाँ से लेके यहाँ तक ऐसे क्रोम लाइन गई हुई है। और इसका फ्रंट देखने से थोड़ा बहुत इलेक्ट्रिक वाली वाइब दे रहा है, एकदम मस्त। और पता नहीं मारुति वाली जब से मारुति ब्रिजा लॉन्च की है तब से मतलब इनके डिजाइन में कुछ अलग ही फर्क आ गया है। ब्रिजा, फ्रॉन्क्स, ग्रैंड विटारा और अब ये, और नीचे यहाँ पर फॉग लैंप। और ओवरऑल आप इसका फ्रंट यहाँ पर देख सकती हो, दोस आर लुकिंग वेरी 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 ग्रेट। और यहाँ पर आप इसकी पीछे की लुक भी देख सकते हो जो कि कुछ स्टेप्स है। यहाँ पर मामला मेरी तरह बिल्कुल मस्त है। ऊपर वहाँ पर शार्क फिन एंटेना, दोस आर लुकिंग वेरी सेक्सी। और ओवरऑल जो इसकी डिजाइन है बिल्कुल डिजायर की तरह ही है। ऑफकोर्स डिजायर तो डिजायर की तरह ही होगी, लेकिन जो यहाँ पर टेल लाइट है वो पूरी पूरी चेंज हो चुकी है, पूरा से नया मस्त डिजाइन। और ये लाल गाड़ी है, इसके आगे ऐसे नीली गाड़ी खड़ी है। और भाई मैं मानता हूँ इस फेसलिफ्ट के बाद जो इसकी सेल्स होंगी वो 1.5 गुना से लेकर 2 गुने तक बढ़ सकती है। और यहाँ पर आप इसका इंटीरियर का मामला भी देख सकते हो जो कि कुछ स्टेप से हमें दिख रहा है। दोस आर ऑल्सो लुकिंग वेरी ग्रेट। हमें यहाँ पर बड़ी सी 10.25 इंच की स्क्रीन दिख रही है। और आपकी गाड़ी के लिए मस्ट ही बताता हूँ, ये एक सोलर पैनल हेलीकॉप्टर, आप इसको अपनी गाड़ी के डैशबोर्ड पर लगा सकती हो और बस एक बार चुपका दो ना बैटरी झंझट ना किसी चीज का झंझट, ऐसे इसको धूप लगेगी चार्ज होगा डायरेक्ट चलेगा, ऐसे घूमेगा। ये डायरेक्ट सोलर से भी चलेगा और बैटरी से भी चलेगा, काफी सस्ता काफी तगड़ा है। ये एक परफ्यूम की तरह काम करता है, इसके अंदर आपको परफ्यूम डालना है। नीचे डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट्स के डायरेक्ट अमेजन बाइंग लिंक होगा, चाहो तो क्लिक करके देख सकती हो। और चाहो तो ये कार्बन फाइबर टेप भी मंगा सकती हो, यहाँ पर नीचे फ्लोर पे आप इसको लगा लोगे तो काफी सही रहता है, मतलब फ्लोर गंदा नहीं होता, काफी तगड़ा ये भी है। इसका भी लिंक नीचे ही होगा। बाकी ओवरऑल हम इस मारुति डिजायर की बात करते हैं तो जो साइड वाला मामला होगा बिल्कुल सेम ही होगा पहले जैसे, वहाँ पर ऐसे कुछ खास फर्क नहीं होगा, बस व्हील्स के डिजाइन में थोड़ा बहुत फर्क आ सकता है, उनके साइज में कोई फर्क नहीं आएगा। 14 इंच 15 इंच। और यहाँ पर आप इसका ORVM भी देख सकती हो, यहाँ पर हल्का से कुछ निकला हुआ है, 2360 व्यू कैमरा का पार्ट। और अगर इसकी इंजन की बात करें तो फिर जो इंजन होगा थोड़ी सी कम पावर प्रोड्यूस करेगा, पहले 88 BHP प्रोड्यूस करता था लेकिन अब 84 BHP ही करेगा। और टॉर्क भी 2-3 Nm कम हो गया इसका ताकि और ज्यादा फ्यूल एफिशिएंट बन पाए, क्योंकि इसके अंदर जेट सीरीज का 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन है। और अगर इसकी लॉन्च डेट की बात करें जो कि है 11 नवंबर को आ रही है गाड़ी, और दिसंबर के पहले वीक से आप इसको रोड पर चला सकती हो, एकदम मस्त, फाड़ दो। और सोलर पैनल हेलीकॉप्टर एंड कार्बन फाइबर टेप का लिंक नीचे होगा तो चाहो तो क्लिक करके देख सकती हो।